So hey, what's up YouTube? Welcome back to another vlog. I'm Shravan. You are watching my YouTube channel SKM Backpackers. So guys, अभी जैसा कि मैं जैसलमेर में हूँ, आप लोगों ने मेरा सीरीज़ देख रहे होंगे, इतना सारा मैंने वीडियो डाला है और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में जहाँ जैसलमेर में मैंने स्टे किया था। मैं तो वैसे स्टे किया हूँ काउचसर्फिंग के थ्रू, बट जो मेरा होस्ट है उसका हॉस्टल और होटल भी है और साथ में सफारी कैंपिंग वगैरह सारा कुछ करवाते हैं। तो भाई अभी तक का ना मेरा बेस्ट एवर एक्सपीरियंस रहा है, मतलब ट्रैवलिंग का इतना मज़ा मैंने आज तक कभी नहीं किया था। थार मरुस्थल में इतना सारा मैंने फन एंजॉय किया, मून नाइट, कार सफारी, कैमल राइड एंड और कैंपिंग टेंट करा, मतलब वहाँ पे फोक डांस होते हैं, वो कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सारी चीज़ें, एवरीथिंग, मतलब सारे ने यार मेमोरेबल था। और फॉरनर्स फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे मिले और इस सब में सबसे बड़ा योगदान था हमारे जो होस्ट थे उनका, उनके वजह से सब चीज़ गाइड करते गए वो और सब चीज़ शो अप किया। तो आई थिंक आप जब भी कभी जैसलमेर आते हो तो बेझिझक यहाँ पे आना। आप रेटिंग भी देख सकते हो, 10 में 9.9 रेटिंग के साथ में इनका booking.com पे भी है। तो अगर आप जैसलमेर आते हो तो बेझिझक आप बुक कर सकते हो होटल और यहाँ पे आके। और दिलबर और अकबर भाई है, दोनों भाई है, दोनों भाई मिलके चीज़ रन करते हैं, तो आपको बहुत मतलब अच्छा फील होगा, आपका ट्रिप मेमोरेबल बनेगा। ये इनका होटल है और जस्ट अब ये यहाँ पर आपको जो फोर्ट है, फोर्ट का पॉइंट का व्यू भी यहाँ से बहुत पास में 100 मीटर की दूरी पे है बस। होटल दिलवर सफारी, इसमें सारा कुछ है इनका। देखो होटल हो गए, इनके रूम्स वगैरह, ये कैमल राइड, कैंपिंग, कार सफारी, साथ में मून नाइट के लिए भी जाते हैं वो, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये भाई का होटल रहा, होटल दिलवर चरोखा रूफ टॉप रेस्टोरेंट। इसमें रूफ टॉप है ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ पे आपको बहुत ही मस्त फोर्ट का व्यू दिखेगा। सब सुविधा किले के घूमने के लिए सब ये इधर ना, हाँ बहुत पास में, 100 मीटर की दूरी है ना ओनली। 100 मीटर की दूरी। ओके चलो अंदर चल के देखते हैं। सो ये है रिसेप्शन एरिया। हेलो भैया, अभी दिलवर भाई बाहर में चाय पी रहे हैं, मैं उनसे मिलवा रहा हूँ, आप लोग को रूबरू करा दूँगा, बात भी करवाऊँगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका चेक इन यहाँ पे होगा, यहाँ पे चेक इन होगा। बाकी बहुत ही अच्छा होटल है, देखो तो सारा फैसिलिटी मिलेगा, मतलब एक ही जगह पे आपको सारा कुछ करवाएंगे। और कहते ना मतलब बहुत सारा काइंड, ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि यार कोई अननोन पर्सन है ऐसा जगह पे। आपने ट्रिप मेरा देखा होगा, सारा ब्लॉग देख लो पहले पिछला, फिर बताना कि सच में मैं ऐसा नहीं कि प्रमोशन कर रहा हूँ ऐसा कुछ, बस ऐसे लिए ये कर रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगा। और मेरा जो एक था यार एक्सपीरियंस अमेजिंग, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो आप, वहाँ पे बुक करा के इस तरह से खाना बनेंगे आपको डिजर्ट में और आप सभी मिलके दोस्त वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हो। कैमल राइड इस तरह से, होली सेलिब्रेट भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा आता है, बहुत सारे आप प्लान्स बना सकते हो। इसके पेज पे जाना, बहुत सारे चीज़ें आपको देखने को ऐसे मिलेंगे, उनके फ़ोटो गैलरी देखना, बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस वहाँ पर, आप वहाँ से नॉलेज इन्फॉर्मेशन भी गेन कर सकते हो। डोर क्लोज 11 PM। मैं कहते हैं यहाँ पे बहुत सारे फॉरनर्स आपको साथ में मिलने के लिए मिलेंगे मौके, क्योंकि काउचसर्फर भी रहते हैं तो काउचसर्फर में बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं और जैसलमेर मोस्टली जाना ही जाता है फॉरनर्स के लिए, तो आपको फॉरनर फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपर स्टेयर है ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर में भी कम से कम आपको 6 से 7 रूम है, एवरीवेयर क्लीननेस एकदम पूरा मेंटेनेंस के साथ में रूम वगैरह। अभी मैं दिखवा दे रहा हूँ उनको बोल के। सो ये फैमिली रूम, अब देखो रूम कितना मस्त आपको डेकोरेटेड है, एवरीथिंग लगा हुआ है। अभी विंटर सीजन है तो आपको फ़ैन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगा आप किसी चीज़ का। समर सेशन में आओगे आपको सारा फैसिलिटी, एसी भी है, देखो एसी लगी है बट एसी अभी यूज़ में नहीं है, अभी विंटर सेशन है तो नॉर्मल। बाकी देख लो फैमिली के लिए 4 लोग मस्त यहाँ पे आ सकते हैं, 2 बेड का बड़ा बड़ा बेड लगे हुए, साथ में यहाँ पर खिड़कियाँ विंडो जहाँ से बाहर का व्यू। ये देखो फोर्ट सामने, होटल सामने, फोर्ट के जस्ट सामने 100 मीटर भी नहीं होगा। देखो आप 3 मकान पास करोगे, 1, 2, 3, तीसरे मकान के बाद ये फोर्ट है, पूरा आपका जैसलमेर का फोर्ट दिखेगा और साथ में पूरा, अगर वो अभी रूप पे नहीं गया, मैं रूप पे रूप टॉप पे जाऊँगा, पूरा जैसलमेर सिटी भी दिखेगा।
ये रहा आपके वॉशरूम, वॉशरूम पे भी नीट एंड क्लीन, बेसिन, मिरर, शावर, हीटर सभी चीज़ लगे हुए हैं। और इनके प्राइस वगैरह भी बतवा देता हूँ। और बाकी जो वो है शेयरिंग बेड जो होता है, डोरमेट्री सिस्टम वो भी है जो कॉस्टर के लिए भी होते हैं, तो वो भी दिखाता हूँ आपको। सो ये था डोरमेट्री। डोरमेट्री में 4 बेड लगे हैं, 2 अपर स्टेयर, लोअर स्टेयर, और ये आपके वॉशरूम थे। वॉशरूम इधर साथ में आपको बाहर का व्यू दिखेंगे, बहुत ही बढ़िया पूरा जैसलमेर दिखेगा। साथ में अपर स्टेयर दिखाने जा रहा हूँ, साथ में और भी ये सारे रूम्स हैं जो सर्फर्स के लिए। अभी आपको दूसरा रूम दिखा रहे हैं, ये सिंगल पर्सन का है ना, और कितना बेस्ट इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बेस्ट राजस्थानी ट्रेडिशनल क्लॉथ कारीगर। ये आपके टावर और बेड, और ये हमारे भाई है जो आपको पिकअप करेंगे जहाँ भी रहोगे सिटी में, आपको लेने के लिए आ जाएंगे। बस एक कॉल कर दोगे भाई के पास, मस्त KTM भाई के क्या नाम है भाई आपका? उमेश भाई। थैंक यू सो मच भाई सभी चीज़ों के लिए। भाई मुझे लेने के लिए भी आए, ड्रॉप भी कर दिया जब मैं कहीं जाना रहता था। तो सो रमेश भाई बता रहे हैं आपको, हाँ इस रूम का कितना प्राइस पड़ते हैं? 500 रुपये। 500, बट ये अकॉर्डिंग टू सीज़न होता है ना, ये घटते बढ़ते रहता है प्राइस। जैसे आप सीज़न में आओगे तो ये प्राइस बढ़ भी जाएगा थोड़ा, और ऑफ सीज़न में आओगे तो 500 मिनिमम चार्जेज रहते हैं कपल्स के लिए। और इतना सारे फैसिलिटी के साथ में 500 आई थिंक वर्थ ऑफ मनी। और साथ में इतना मेन सिटी सेंटर में फोर्ट के पास में, जस्ट 3 मकान बाद ये फोर्ट के ये होटल है, तो मतलब बेस्ट ऑप्शन रहेगा आई थिंक लोगों के लिए। ज्योमेट्री रूम मिल जाएगा 250 तक। 250 डोरमेट्री, ओके। अगर आप सिंगल आते हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो डोरमेट्री जो ऊपर मैंने दिखाया वो ओनली 250 का, समझ रहे हो? 250 में आप जैसलमेर जैसे सिटी में रह सकते हो। इतने क्राउडेड एरिया होती है, इतने सारे फॉरनर टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं। थैंक यू सो मच रमेश भाई। बगल में आपको किचन, यहाँ पे हमारे भाई अभी कुक कर रहे हैं। हेलो, और वो भाई कहाँ गए? वो नीचे। नाउ आई एम गोइंग ऑन रूफ टॉप। सबसे बढ़िया जगह आपको देखने को यही है, रूफ टॉप। अभी देखो भाई यहाँ का व्यू कितना मस्त बनाया इन्होंने। ये एरिया जहाँ पे खाना वाना खाओ मस्त चिल मार के, देखो कितना अच्छा बैठने वाला इन्होंने दिया। अभी सब सुबह हुए तो सभी अभी डेकोरेटर नहीं, तो ये सारा डेकोरेट हो जाएंगे पूरा, सब पे गद्दे वद्दे लग जाएंगे अच्छा से। और पूरा नज़ारा फोर्ट का देखो, चाय पियो, चुस्की लो, जो भी रहो अपने फ्रेंड के साथ में, यहाँ पे आराम से लेट के म्यूजिक इंजॉय करो। ऐसे होटल आपको बहुत कम मिलेंगे जो पूरा आपको व्यू दिखाए, फोर्ट का पूरा व्यू दिखाए। ये देख लो आप, क्या मस्त व्यू, पूरा फोर्ट दिख रहा है, साथ में पूरा जैसलमेर शहर यहाँ से आपको नजर आएंगे, बस जस्ट पास में। और ये सब देख लो कितना मस्त, न्यू ईयर पे पार्टी वार्टी सब यहीं पे हुआ था। रात में भी आपको साउंड वाउंड डीजे जो बजेंगे, मस्त इन्जॉय करो, बोन फायर होएंगे। बाकी ये आपका यहाँ पे भी आपको वॉशरूम दिया गया है, यहाँ पे चिल मारने के लिए आप अपना काम वाम कर सकते हो, कोई भी खैर सोए नहीं। इधर भी स्टे करने के लिए, बाकी यहाँ पे आपको ये देखो पूरा जैसलमेर दिख रहा है, यू कैन सी फ्रॉम हियर फुल जैसलमेर। सो आई थिंक आपको जब भी अगर आते हो ना जैसलमेर, बिना कुछ सोचे ऐसा यहाँ पे फील नहीं होगा, अकबर दिलवर भाई जो है वो मोहम्मडम है, बट आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। आप किसी भी रिलीजन से हो तो आपको ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि हम किस रिलीजन से नहीं है, कुछ लोगों को रहता है माइंड में इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरी नहीं था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया, हम जब उनसे बात भी किया तो कहते यार भैया देखो मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मैं इनसे इंसान हूँ, इंसानियत जानता हूँ बस। मुझे ये सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग था उनके मुँह से ये सब निकला, तो मैं और भी ज़्यादा खुलना उनके साथ शुरू हुआ और बात करने लगा, हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने मून नाइट के लिए मैं रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मून नाइट के मुझे कोई चार्जेस नहीं लिए। मेरा जो पैकेज था वो 3500 3500 रुपये का, जबकि इसका बुकेज उन्होंने दिखाया था अपने जो डायरी वगैरह होती है बुकेज में, जैसे हम लोग भी पेशेंट को दिखाते हैं, वो 50,000 लोग देते हैं उस कैमल राइडिंग और सफारी टेंट वगैरह के लिए, एक एक रात का, मतलब होल फैमिली का। मेरे को एक होल फैमिली वाला टेंट मिला था, मैं अकेला रहा था उसमें, समझ रहे हो? और रॉयल सफारी जो टेंट होते हैं उसमें रहते,
तो आई थिंक आपके लिए सबसे बेस्ट होटल रहेगा और आपको बहुत सारा फॉरेनर्स मिलेंगे यार। सबसे बड़ा चीज़ फॉरेनर्स से आप मिलते हो तो उसके साथ इंटरेक्ट करो, उसके साथ बातें करो, फ्रेंडशिप जनरेट करो, नंबर शेयर हो जाएंगे। इन फ्यूचर आप भी उसके कंट्री में जाते हो तो आपके लिए एक हेल्पफुल पर्सन वहाँ खड़ा रहेगा, अननोन शहर अननोन जगह पे, तो आपके साथ एक फ्रेंड रहेंगे, समझ रहे हो? आपको पिकअप करने के लिए, आपको लेने के लिए आएंगे, आपका वेलकम करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस कितना मस्त रहेगा, समझ रहे हो? तो मैं जैसे जहाँ भी जाता हूँ और कहीं की जान पहचान का रहता है तो वहाँ पे जाते हैं, उनका जो वेलकम होता है वो बहुत एक्सपीरियंसफुल रहता है, बहुत ही मज़ेदार। तो ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी दिलवर भाई से बात करते हैं आपके रिगार्डिंग। सो गाइस, आपको दिलवर भाई बता रहे हैं उस हॉस्टल के बारे में, तो दिलवर भाई बताएंगे क्या क्या सर्विस देते हो आप यहाँ पे। ये मैं कैमल सफारी डेजर्ट का पूरा पैकेज देता हूँ, रूम है अपने पास, बंक बेड जो डॉर्मेटरी बेड होते हैं वो भी है, और प्राइवेट रूम है, अबाउट डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, जीप सफारी, सिटी टूर, एवरीथिंग। तो इसके कॉस्ट कितने रहते हैं, एवरेज बता दो। वो तो नॉर्मली अभी जैसे नवंबर दिसंबर में थोड़ा सीजन का टाइम रहता है, नॉर्मली जैसे 1000 रुपये से रूम स्टार्ट होके बंक बेड 500 का है, तो सीजन के ऊपर डिपेंड। हाँ, सीजन के ऊपर कम ज़्यादा टूरिज़म सीजन है तब थोड़े रेट बढ़ जाते हैं, नॉर्मली करते हैं, अपना ऊपर रेस्टोरेंट भी है, तो डिपेंड ऑन प्राइस। अगर आपके वीडियो देखे कोई आएगा तो उनको मेरी तरफ से 20% डिस्काउंट मिलेगा, ये प्रॉमिस है। ओके, तो गाइस देख लिया भैया ने बोल दिया 20% डिस्काउंट, जैसलमेर में कुछ भी करना है, एवरीथिंग आई थिंक, मतलब मेरे हिसाब से मैंने जितना भी चीज़ किया सब भैया ने गाइड करा, और एक्सपीरियंस आपने देखा है, मेरा बहुत सारा ब्लॉग आया हुआ है, उसमें सीरीज चल रहा था और उसमें आपने देखा है कितना फन एंजॉय किया हम लोगों ने। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम जैसलमेर में जा रहे हैं, मेरा सब चीज़ अननोन है, और कोई अच्छा बंदा मिले जो हमें प्रॉपर गाइड करे, कोई चीट ना करे, तो मेरे हिसाब से आई थिंक बेस्ट है आपके लिए। सो लेट्स ट्राई करिए आप भी एक बार। थैंक यू भैया। वेलकम भाई।